में मधुबनी पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा किया है। अरेर थाना के जमुआरी गांव से पुलिस ने चोरी के गहनों को बरामद किया है। बरामद गहनों की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये गहने मुंबई के जेवर कारोबारी अशोक दुग्गल के हैं, जिसे चुराकर मधुबनी लाया गया था। एक रिपोर्ट देखिए। ये है मुंबई के व्यापारी अशोक दुग्गल। मुंबई के समता नगर थाना इलाके में इनका घर है। अपने घर में अशोक दुग्गल ने एक लड़के को काम पर रखा था। जिस लड़के को दुग्गल साहब ने रखा था वो बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला था। 25 अप्रैल को व्यापारी अशोक दुग्गल अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे। घर में नौकर और एक भाई थे, दयानंद चौधरी। जिस लड़के को अशोक दुग्गल ने काम पर रखा था उसका नाम दयानंद चौधरी था। पिछले एक साल से दयानंद अशोक दुग्गल के घर पर काम कर रहा था। इतने दिनों में दुग्गल का भरोसा दयानंद पर कायम हो चुका था, लेकिन जब दुग्गल अपने गांव गए हुए थे तब दयानंद ने इस भरोसे को तोड़ दिया। आरोपों के मुताबिक दयानंद ने मौके का फायदा उठाकर दुग्गल के घर से करोड़ों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली और फिर फरार हो गया। घर से जेवरात के चोरी होने की खबर अशोक को उनके छोटे भाई ने दी। जानकारी मिलते ही दुग्गल तुरंत अपने घर वापस लौटे और फिर मुंबई के समता नगर थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। इधर चोरी करने के बाद आरोपी नौकर दयानंद मधुबनी भाग आया था। आरोपी दयानंद मधुबनी जिले के अरेर थाना के जमुआरी गांव का रहने वाला है। पुलिस को उसके अपने गांव में होने की खबर मिली। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम मधुबनी पहुंची और फिर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई। नौकर के रूप में था क्या? तो बच्चों के साथ खेलता था, काम करता था। फिर लेके बंद था घर या कैसे, मतलब खुला था घर? तो 10 तारीख को इधर गांव आ रहा था तो गांव चला गया, आ गया। कितने बरामदगी हुई अभी तक? बरामद जो हुआ है ऑर्नामेंट्स कितना लगभग हो गया? 80% क्या हो गया? 16-17 साल हो गया। छापेमारी में पुलिस ने चोरी गए करीब 80% जेवरात को बरामद करने में सफलता हासिल की। बरामद जेवर की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये समता नगर थाना है, ये मुंबई में। वहाँ पे एक घर से चोरी का मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस की टीम हमारे यहाँ आई और जो भी सामान यहाँ पे चोरी करके वो घर से ले गया था उसमें लगभग 80% जो सामान है वो मिल चुका है। अभी वो फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसमें एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। इसमें जो टीम के सदस्य हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस तरह की सफलता काबिले तारीफ है। और जो भी से सामान जो पेंडिंग है उसकी भी बरामदगी शीघ्र कर दी जाएगी। चोरी के 20% जेवरात अभी भी गायब है और उनकी बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है कि बाकी के जेवरात भी जल्द ही बरामद कर लिए जाएंगे और इन सब के साथ चोरी का आरोपी भी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। बिंदु भूषण ठाकुर, जी मीडिया, मधुबनी।